आत्मा इस देह का मालिक भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूं। मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति हूं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से संपन्न हूं। पवित्रता की लाइट से मैं अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रहा हूं। मैं संगम युग पर पवित्रता से भरपूर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। इस संगम युग पर मेरा ओरिजिनल घर वो पावन भूमि है, वो वरदान भूमि है जहां पर
स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। याद करें, मधुबन वरदान भूमि को मैं पवित्र आत्मा अपने मन बुद्धि से एक सेकंड में उड़ चलता हूँ। मधुबन की धरनी पर चार धाम यात्रा करने मैं शांति स्तंभ के आगे अपने आप को देख रहा हूं। शांति स्तंभ का वायुमंडल कितना शांत है। खड़े हो जाए शांति स्तंभ के आगे। शांति स्तंभ से मुझ आत्मा पर शांति और शक्ति की किरणें बरस रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रहा हूं। ये शांति स्तंभ महाधाम है।
शक्तिशाली बनने का स्थान है। अब अपने में शक्ति का अनुभव करते मैं आत्मा पहुंच जाता हूं बाबा के कमरे में। बाबा बैठा है जहां पर अपने बच्चों से मिलने। बैठ जाए बाबा के सामने। और बाबा की दृष्टि ले। कितनी शक्ति है उस दृष्टि में, जैसे कि बाबा सिर्फ मुझसे बात कर रहा है। उस दृष्टि से बाबा मेरी सारी कमी कमजोरी नष्ट कर रहा है। बाप समान बनने का यही वो स्थान है अनुभव करे। बाबा के सानिध्य का
अब चले। बाबा से रूह रिहान करने बाबा की कुटिया में, बैठ जाए कुटिया में और देखे बाबा को सम्मुख। मेरी उदासी को, अकेलेपन को दूर करने का यही एक वो स्थान है जहां मैं बाबा से हर एक बात शेयर कर सकता हूं। कोई भी बात मन में पकड़ी हुई है, परेशान कर रही है, बाबा को कह दे। मैं आत्मा बाबा को अपने दिल की बातें सुना रहा हूं और हल्का हो रहा हूं। अपने आप को एकदम हल्का करके मैं पहुंच जाता हूं चौथे धाम हिस्ट्री हॉल।
ये वही जगह है जहां पर स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हम बच्चों से मिलते हैं। याद करें अपने हिस्ट्री को, बाबा और मम्मा सामने संदली पर बैठे हैं, देखे उनको और सुने शिव बाबा को। दौरी पैदा चाहिए ना, बच्चे जो पुरुषार्थी है उनको दौरी पैदा चाहिए, इसलिए बच्चे भी याद करते बाबा या सन मुका करके हमको मजा बहुत आते हैं। तुम भी जानती हो कि बरोबर बाप सन मुख है तो डायरेक्ट है, ऐसे कहेंगे नहीं, डायरेक्ट है यानी प्रैक्टिकल में, जिसका अर्थ है उन्हें द्वारा वो बैठ करके बच्चे बच्चे भी करते हैं, समझे कि बच्चे घड़ी घड़ी बोलते हैं क्योंकि भूल जाते हैं, बच्चे बहुत भूलते हैं, हम आकड़ा से भूल जाते हैं, देह मान में आ जाते हैं, तो यह घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे जानते हैं कि बरोबर परमात्मा हमको सन्मुख कहते हैं, इसमें प्रवेश होकर के भले बाबा ने समझाया कि मामा के भी शरीर में आ सकते हैं और बोली बजाने के लिए, और वो तो कोई को पता नहीं पड़ता है, इमेजिनरी होता है कि बाप आया हुआ है। यहां तो तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में तो उनका मुकर्र है, उनके सामने तुम बच्चों को पक्का करने के लिए बच्चे तुम आत्माएं हो, मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं, मैं आया हुआ हूं, तुम हमको पुकारते थे कि बाबा आओ, बाबा कहते थे हमको, सभी निराकार बाबा, क्योंकि तुम भी निराकारी तो हम भी निराकारी, तो तुम बच्चे पुकारते रहते हो भक्ति मार्ग में शरीर द्वारा, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल का शरीर धारण कर फिर भी मुझे याद करके आए हो, अभी मैं सन्मुख आया हूं तो देखो सन्मुख बात कर रहा हूं, कैसे सन्मुख बात करो, ये भी आधार लिया, तुम भी आधार लिया हुआ है, तुमको अपना आधार है, इनको बैंक का आधार है, लोन पर आधार है, और तुम बच्चे सन्मुख को जानते हो कि बरोबर बाबा कहते हैं कि अभी ये नट पूरा हुआ है, अब सबको ये पुराना चूल्हा छोड़ना है और बच्चे ये दुनिया में नाश हो जाने वाली है। ये ऐसी जगह है जहां सब व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ये यज्ञ की हिस्ट्री सो मेरी हिस्ट्री है,
कितना भाग्यवान हूं मैं आत्मा, जो इस अंतिम जन्म में मैंने भगवान को देखा, भगवान को जाना, उसको सुना, उसके साथ बातें की, तो ये चार धाम की यात्रा से मेरा मन एकदम शक्तिशाली हो रहा है। मेरे सब व्यर्थ संकल्प नष्ट हो चुके हैं। स्वयं भगवान की नजर जिस आत्मा पर पड़ी, ऐसी मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। यही स्मृति मुझे श्रेष्ठ बनाती है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। ॐ शान्तिः।